आकाशवाणी है। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। हमारे देश के नेताओं ने आज जगह जगह पर भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि भारत के हर नौजवान का फर्ज है कि इस संकट का सामना करने के लिए भारतीय फौज में भर्ती होकर हमारी कौमी ताकत को और मजबूत बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि हम अमन पसंद पॉलिसी के कायल हैं, जियो और जीने दो हमारी नीति का मुख्य आधार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी विदेशी ताकत हमें कमजोर समझकर हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। हिंदी में समाचार समाप्त हुए। देखा निशान, आ गया ना वो दिन जिसका हमें इंतजार था। अब होंगी मुरादें पूरी। अगर बापू ने इजाजत दे दे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम भी मेरे दोस्त की तरह बहादुर हो, जैसा बाप ऐसा बेटा। उसका अरमान था कि तुम फौज में जाओ। काश मेरे 3-4 बेटे होते। मैं सबको फौज में भेज देता। 4 की बात करते हो बापू, मेरा निशान भैया 400 पे भी भारी है। आपने डाकू मानसिंह को मारकर जो मेरे बाप की मौत का बदला लिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। कैसा एहसान बेटे, मैंने तो अपने यार की मौत का बदला लेकर अपना कलेजा ठंडा किया है। कलेजा, मुझे निशान जैसा भाई मिल गया और बापू तुमको फरमा बरदार बेटा है ना। लेवे निशान, तेरा काम तो बन गया। अब जल्दी से ये खुशखबरी बेबे को सुना दूं और मैं भी तैयार हो जाऊं। मैं तुझे मक्खन वाली लस्सी नहीं देने वाली। बहुत मस्ती चढ़ती जा रही है तुझे। अब तेरी चढ़ाई मस्ती तो देश के काम आएगी माँ। मैं कहा करता ना, भर्ती खुल लेने दे, तेरा खिलाया हुआ मक्खन अब आएगा देश के काम। हैं? भर्ती खुल गई? ओ बेबे, हमारी सरकार ने भर्ती खोल दी है। अब दिखाऊंगा अपने देश पर जान देकर। आहो, जान जाए तेरे दुश्मनों की। अरे तू तो लाखों की जान लेकर लौटेगा। बस बेबे, इजाजत दे दे। अरे पगले, भारत माँ पर संकट आए और ये माँ इजाजत ना दे। जा, वाहेगुरु तेरी रक्षा करेगी। और कमाल की ताई बेबे। मेरा आशीर्वाद, वो तो आखिरी सांस तक है तेरे साथ मेरे बेटे। मेरा बच्चा। अच्छा लाजो, मुझे तुम पर गर्व है भैया। तुम अपनी बहन लाजो को छोड़कर देश की लाखों करोड़ों बहनों की लाज की रक्षा करने जा रहे हो, मुझे तुम पर बड़ा फख्र है भैया। तेरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा बहन। वहां पहुंचकर चिट्ठी जरूर लिखना बेटा। हाँ भैया, पता भेजोगे तो चिट्ठी में राखी डालकर भिजवाऊंगी। राखी को बहुत पहने लाजो, तब तक तो हम जंग जीत कर लौट भी आएंगे। अच्छा माँ, हम तो चले, वतन की हदें हमें पुकार रही है। चाचा, काम का ख्याल रखना। घबराओ नहीं निशान तूफान, तुम अपनी वर्दी की लाज निभाना, हम इस वर्दी की लाज निभाएंगे। माँ के दूध की लाज रखना बेटा, गोली खाना तो सीने पर, पीठ पर नहीं। वाहे गुरु ने चाहा तो ऐसा ही होगा। आशीर्वाद दे माँ, जंग जीत के आई है। भारत की जान,
भारत जीत गया। अब्दुल्ला भाई हमारा हिंदुस्तान जीत गया। अल्लाह अल्लाह शुक्र। रामू भाई हमारा देश जीत गया। हमारा देश जीत गया। चाचा निशान और तूफान दोनों वापिस आ रहे हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह हमारे निशान और तूफान की जोड़ी सलामत रखी हो। हमारे बाजू वापिस आ रहे हैं। हमारी हिम्मत वापिस आ रही है। पैदा हुए से एक दिन, पढ़ते हुए से एक दिन, बटालियन एक रैंक। बाबा लगता है दोनों का जीना मरना साथ ही लिखा है। अरे चाची मरने की बात क्यों करती है तू? ऐसा बोल कि दोनों का दाना पानी साथ लिखा है। निशान और तूफान के आते ही अब कोई गांव वाला मान सिंह की ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। खाम खा की धाक जमाकर गांव वालों से पैसा ले जाता। चाचा कैसे नहीं दोगे? आखिर डाकू है डाकू। शराफत से नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले जाएगा। देख लेंगे। अरे 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 लाठी तो ले ले बापू। बेटी मेरी लाठी तो वापस आ रही है। अरे पर तू गिर जाएगा ना। अब धंधा नहीं रहा बेटी। मेरी आंखों की जोत वापस आ रही है। मेरा बेटा आ रहा है। मेरा लाडला आ रहा है। निशान ही तो इसकी आंखों की ज्योति है जो इसका अपना बेटा ना होते हुए भी उसको आग की लपटों से बचाते हुए इसने अपनी आंखों की ज्योति दे दी थी। गाँव के गीदड़ फिर शेर होने लगे। देखिए तो निशान और तूफान का तार मिलते ही सालों की रगों में बिजली दौड़ने लगी। देखिए लगता है गांव वाले मान सिंह की मार को भूल गए हैं। आज मुझे वो दिन याद है। तूफान ये क्या? ये सब क्या है? ये बर्बादी कैसे? ज्योति ये तुम्हारा गांव कैसा है? ये बर्बादी नजर आ रही है। ये लाशें, ये तबाही सब क्या है? समझ नहीं आती क्या हो गया अब तक। लाश राखी राखी लाशें राखी के दिन ये हाल तुम्हारी धुआ। ऐसा राखी का त्योहार कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। देख बापू, देख तेरी लाठी वापस आ गई बापू, तेरी आंखों की जोत वापस आ गई बापू, तेरी लाजों की लाश लुट गई बापू, तेरी लाजों की लाश लुट गई। इसीलिए इसीलिए तूने आंखें बंद कर ली ना भैया। बापू हमको छोड़ के चला गया भैया। लानत है इस गांव के नौजवानों पर। ऐसा लगता है कि गांव वालों ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। आज हम विद्यार्थियों को मालूम हुआ कि गांव के लोग भी कायर और बुजदिल होते। गालियां दो, गर्दनें काट दो, ठोकरें मारो। मर्दों की आंखों में आंसू, ये बुद्धली नहीं तो और क्या है? बुद्धली नहीं, ये प्रायश्चित के आंसू है। काका तूफान, इसमें इसका कोई दोष नहीं। चाचे का दोष ना सही, पर पूरे गांव में किसी ना किसी का तो है ना। बापू भैया मेरे बापू को मत जलाओ, मेरे बापू को आग मत लगाओ भैया, बापू के राज मत बनाओ। इससे तो अच्छा है इन आंसुओं को चुल्लू में लेकर तुम सब लोग डूब मरो। तो
तुझे भाई गुरु की कसम, ऐसी बातें न कर तूफान बेटे। ये आंसू नहीं, ये इनके दिलों में सुलगते हुए बदले की आग है। आग माँ, इन बुजदिलों की बदले की आग उस वक्त कहाँ दब गई थी जब निशान का बाप दम तोड़ रहा था और इसकी मासूम बहन की इज्जत लूटी जा रही थी। कहाँ थी वो आग? अगर बदला लेना है तो माँ की कसम खाकर कहो कि बदला लेंगे, बदला जरूर लेंगे। आज निशान की बहन की आबरू लूटी है, कल तुम लोगों की माँ और बहनों की भी आबरू लूट सकती है। ऐसा मत कहो तूफान, लाजो सिर्फ निशान की बहन नहीं, वो सारे गांव वालों की बहन है। सिर्फ लाजो की नहीं, सारे गांव की लाज लूटी है, हर कुंवारी बेटे की लाज लूटी है। आज निशान का बाप नहीं मरा, हम सब लोगों का बाप मरा है। ये चिता तुम सब बुजदिलों को चुनौती दे रही है, ये आज की बुजदिली कल की बहादुरी में बदल डालो। ये सब क्या है? इन आंसुओं से मेरा बाप जिंदा नहीं हो सकता, मेरी बहन की लूटी हुई आबरू वापस नहीं आ सकती। मैं आया था अपने बहन के हाथों में मेहंदी देखने, न मैं अपने बाप को मिल सका, न मैं अपने बहन की टूरी सजा सका। लाश को आग क्या लगाई, लोगों के दिलों में आग लगा दी। मान सिंह जी, बदले के अंगारे सुलग उठे हैं। मैं उन अंगारों को बुझा दूंगा, इस मिट्टी के गांव को मिट्टी में मिला दूंगा, जुल्म के शिकंजे में कसकर सारे गांव का दम तोड़ दूंगा। आप चिंता करते हैं, मैं और न तो किस्मत की दवा है, महंगा राम की दौलत भी तो आप ही की मेहरबानियों से कमाई है। गंगाराम जी, बातें बड़ी मीठी मीठी करते हो, जितना बोलते हो अगर ना हुआ तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? गंगाराम से सस्ता राम बना दूंगा, समझे? वो दिन कभी नहीं आएगा सरकार, महंगा राम से दो काम नहीं हो सकते, एक गलती और दूसरे गुस्ताखी। देखिए तो अफसोस तो इस बात का है कि सरकार की तरफ से बंदूकें मिलने के बावजूद भी गांव में हमला होते ही लोग बुजदिलों की तरह घरों में घुस गए, एक भी आदमी पुलिस की मदद के लिए नहीं आया। जब गांव वाले ही पुलिस का साथ नहीं देंगे तो आप ही बताइए हम लोग कानून और अमन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। पुलिस ने मानसिंह को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का ऐलान किया है ताकि गांव वालों में पुलिस का साथ देने के लिए जोश पैदा हो। डॉक्टर साहब, जोश की कमी को हम लोग पूरा करेंगे, हम सब गांव वालों को इकट्ठा करके उनमें एक नया जोश पैदा करेंगे, अपने फौजी भाइयों के साथ मिलकर कानून की हिफाजत करने में आपका साथ देंगे। जैसा जज्बा तुम विद्यार्थियों और फौजियों में है, अगर ऐसा ही जज्बा हर गांव के नौजवान में हो तो हर गद्दार को बेनकाब किया जा सकता है, मानसिंह जैसे डाकू को पकड़ के कानून की हिफाजत की जा सकती है। हम ऐसा ही करके दिखाएंगे इंस्पेक्टर साहब। तूफान सिंह, मैं डिपार्टमेंट को और पुलिस मंगाने के लिए सिफारिश कर रहा हूँ। मगर इंस्पेक्टर साहब, जब तक और पुलिस फोर्स नहीं आ जाती हम अकेले निहत्ते डाकुओं का मुकाबला किस तरह कर सकेंगे, आप ही सोचिए ना। कानून की तरफ से जाती हिफाजत की हर इंसान को इजाजत है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि डाकुओं के हथियार छीनकर उनको जिंदा गिरफ्तार किया जाए। चलो गांव वालों में एकता की जोत जलाएं, कानून कदम कदम पे तुम्हारा साथ देगा। लम्हे आप आ जाएंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, बेस्ट ऑफ लक। सरहदों की हिफाजत करते हैं, बाहर के हर दुश्मन से टक्कर लेते हैं, तो क्या हम अंदर के दुश्मन को खत्म नहीं कर सकते? क्या हम इतने बुजदिल हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने डरपोक हैं? क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। भाइयों, फौजी हमारे देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, क्या उनके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं? ये फर्ज निभाने के लिए इस देश के गद्दारों को खत्म करना होगा, इन देश द्रोहियों का सर कुचलना होगा। कमाल है, घर में घर वाले चोर। ठीक कहते हैं आप, अगर इस गांव में गद्दार न होते तो किसी डाकू की हिम्मत होती कि वो गांव की आबरू लूट सके? इन कमीनों का चेहरों से नकाब उतार कर इन कमीनों को सबके सामने नंगा करना होगा। लेकिन ये काम कौन करेगा? हम करेंगे,
हम सब करेंगे। हमारी गर्दनें क्यों ना कट जाएं, लेकिन हम किसी गद्दार को सर उठाकर चलने का मौका नहीं देंगे। हम गांव वालों में अगर हिम्मत हो तो हर घर थाना बन सकता है। अपने गांव की रक्षा के लिए गली गली में छावनी बना सकते हैं। तो भर्ती शुरू कर रहे हो क्या? क्यों नहीं, तुम लोगों को भी अपने गांव की रक्षा के लिए, अपने गांव की आबरू के लिए कुर्बान होना पड़ेगा। हम कुर्बान क्यों होंगे? हम तो अपने माँ बाप के दो ही बेटे हैं, हम कुर्बानी के बकरे नहीं बनेंगे। लेकिन जो सरहदों पर लड़ते हैं वो भी तो किसी के बेटे होते हैं। तुम जैसे लोग गीदड़ और डरपोक हो जाए तो सारा देश बर्बाद हो जाए। बर्बाद? हमने देश की सरहदों की रक्षा का ठेका नहीं ले रखा है। हमारी जाति है जूती। चलो छोटे। सुना भाइयों, इतने अफसोस की बात है, ये जज्बात है इन लोगों के लिए, अपने देश के लिए। इन गद्दारों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तेरी बेटी ज्योति के लक्षण अच्छे नहीं मेंगाराम। शहर से आते ही उसने फौजियों के साथ गली गली भाषण देना शुरू कर दिया है। अगर मान सिंह को पता चल गया तो हम दोनों की नाक में दम कर देगा। नहीं नहीं नत्थू, वो तो बेचारी बहुत सीधी साधी है। हाँ हाँ, सीधी साधी जलेबी जैसी। शहर से आते ही फौजियों के साथ आंख मटक का शुरू कर दिया है और साथ ही साथ दो यार चौपाल में रख छोड़े हैं। नत्थू, मैं शहरी छोकरों गांव से बाहर निकाल करूंगा। अबे तू क्या निकालेगा, वो तुझे बाहर निकाल देंगे और मुझे मान सिंह की नजरों में गद्दार साबित करेंगे। माई बाप मुझे बुलाया है। मुखिया, इन छोकरों के साथ साथ तुझे भी पर लग गए। पर लगने की बात नहीं, वो गांव वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके जुल्म से टक्कर ले रहे हैं। ए मुखिया, ये देशभक्ति की बातें यहाँ नहीं चलेंगी, वो तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो यहाँ सारी जिंदगी काटनी है। ए मुखिया, तू ये बता, बनिए से बिगाड़ कर इस धरती पर आज तक कौन सा किसान सुखी रहा है? अरे भाई, दरिया में रहकर और मगरमच्छ से बैठ। ओए हद करा तू, मजबूर किसानों को मछली समझकर खाना चाहता है नथू। पर ये क्यों भूल गया, हर मछली के साथ कांटे भी होते हैं। नथू कांटे साफ करना जानता है, पर ये कांटे तुम्हारे जैसे गीतड़ों से साफ होने वाले नहीं। चल मुखिया, पहले इसे सूद तो अदा कर लेने दे। तूफान बेटा, पिछले साल इसने मेरा सारा अनाज सूद में रख लिया और मेरे बच्चे वो भी भूखे मर गए। और कब तक खून चूसेगा गरीबों का? देखा कैसे पले हुए सांड की तरह भंकार रहा है। जबान संभाल कर, खबरदार जो फौजी की शान में कुछ कहा तो। अच्छा, तो इसकी वर्दी का नशा तुम पर भी चढ़ गया। अरे वर्दी फौजी का भगवान है और उसकी पूजा करना हमारा धर्म। निकल जाओ यहाँ से, ये नत्थू और महंगाराम का घर है, ये धर्म ईमान की बातें यहाँ नहीं चलेंगी। गद्दारों की हवेली है ना, इसलिए मान सिंह ने जब जब गांव पर हमला किया इस हवेली की एक इंच तक नहीं ली। नत्थू, उतार दे इस भगवान की फोटो को जिसके साए में बैठकर तू गरीबों का खून चूसता है। गांव का चौधरी बनता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे जा जा यहाँ से। नत्थू, अगर फिर कभी तूने मुखिया से सूद मांगा तो फुटे मु मैं तेरी सारी जिंदगी का हिसाब चुका दूंगा। चल मुखिया, चल अर्जुन, लम्या पा देंगे, जहाँ भी जाते हैं कूते कूते पोंखते हैं, इधर उधर कमाल है। लो खा लो खा लो। ये तो सारी उम्र का दुख है, आखिर तुम्हें बोझ क्यों उठाती हो? बोझ को अगर बांट लिया जाए तो उठाना आसान हो जाता है। लो तुम भी खा लो। ऐसा कब तक चलेगा रोशनी? जब तक हाथ पांव चलते रहे। तुमने खाया? नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी। क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं? बापू सोचेंगे, न जाने कहां से खा कर आती है। इसका मतलब है तुम यहां उनसे छुप कर आती हो? जो बात अच्छी ना हो वो छुप कर ही की जाती है। ऐसी कौन सी बात है? आजकल के जालिम जमाने में किसी के काम आना, किसी का दुख बांट लेना अच्छी बात थोड़ी है। गजब हो गया जूट, क्या हुआ? वो फौजी और विद्यार्थी मिलकर सारे गांव में बगावत की आग फैला रहे हैं और वो लोग मिलकर पुलिस का साथ दे रहे हैं। नत्थू, ये सब तुम्हारी कमजोरी का नतीजा है। ये मत भूलो कि उनकी जमीनें तुम्हारे पास गिरवी हैं, उनकी जानें तुम्हारी मुट्ठी में हैं। मगर सरकार, वो फौजी और विद्यार्थी मिलकर गांव गांव में हर घर में एकता की जोत जला रहे हैं। तो क्या हुआ हा? उनके अनाज कौड़ियों के भाव खरीद लो ताकि वो टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाएं। फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा कानून उनकी मदद करता है। ठीक है जी, ऐसा ही होगा।
ऐसे ही होगा। एकता की जोत जगा रहे हैं कुत्ते। 50 रुपए क्विंटल, 50 रुपए क्विंटल। है कोई माई कलाल बोली बढ़ाने वाला तो 50 रुपए क्विंटल एक, 50 रुपए क्विंटल दो, 51, 52। अपने तो वही 50 रुपए। हाँ तो 50 रुपए 1, 50 रुपए 2, 50 रुपए। ओए गट्टे जी, ये गेहूँ शहर में तो 3 रुपए किलो देखने को नहीं मिलता और तू 50 रुपए क्विंटल बेच रहा है। ओए ड्रामा की है क्यों लाला, खुद नीलामी करते हो, खुद ही खरीदते हो ताकि शहर में जाकर चौगने दाम में बेच सके। कमाल है, घर में घर वाला चोर, गांव में रहकर गांव वालों को लूटता है कमीने। भगवान का शुक्र है अब मेरा गेहूँ सस्ते दाम नहीं बिक सकेगा सेठ जी। अरे तू घबरा नहीं चाचा, तेरा गेहूँ शहर ले जाकर चौगने दाम में बिकवाएंगे। जाकर चढ़ जाओगे क्या? आप उत्तर लंबे आप आ देंगे। अरे साला फौजी से लड़ने आया था, जैसे मेरे बाबू को मार डाला ना जैसे मेरे भाई को भी मार डालेंगे। क्या कह रही हो लाजू, निशान और तूफान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। नहीं मेरी बहन नहीं, तू आजा मेरे साथ आ। अरे ये क्या, एक बंजी की लड़की होकर इस कलंकनी को गले लगा रही है। अरे ये तो सी मनहूस है, इसका साया जिस पर भी पड़ा वो बर्बाद होके रहा। चलो लाजो। ए, कहां ले जा रही है इसे? घर चल लाजो। घर बाप यमराज ते बेटी फरिश्ता, वाह कमाल है बाबा तेरा खेल। देख ले तूफान, वह तू कौन है? तेरी दीवानी चंपा, जब से तुझे देखा है दिल बस में नहीं रहा। आंख मारती है, एक या ड्रम है, हम बॉर्डर पे कुर्बान होते हैं, तू हमारे पे कुर्बान हो रही है, कमाल है। दिल दिल की बात है, मेरा दिल तेरे पे आ गया, तेरा दिल बॉर्डर पे। अच्छा जा बल्ली जा, घर जाके गाजर मूली खा, तेरी ये प्यार भरी बातें हमारे फौजी जैसे दिमाग में नहीं फंसती। जा 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 बल्ली जा। ओए सरदार जी, ओए हाय जाट, कभी न कभी तो कमाल है, हम बॉर्डर पर आंख मारते हैं तो दुश्मन पीछे भाग जाता है, ये कल की छोकरी हमें आंख मार रही है। कमाल है माँ, वो सामने वाली गली में एक छोकरी ने पहले तू आंख मारी है? फिर कहती है मैं तेरी दीवानी हूँ। मैंने भी कह दिया तू दीवानी है या चुवानी, फौजी पर तेरी इन बातों का असर नहीं होता। गल सुन, वो छोकरी बहुत बदमाश है, अगर तूने उससे आंख मिलाई ना तो मैं बर्छे ना तेरी आंख काट लेनी। कमाल है माँ, आंख वो मारती है, तू मेरी आंख निकाल रही है। ओफो, चल उठ बर्छे उठा, गांव वालों में बात गल कर। उठो तूफान से, यहाँ बर्छे मारने तो जुतियाँ पहनियाँ नहीं। जवान हो गया अकल नहीं आई। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपके एहसानों के नीचे दबा हुआ सरकार। दबा हुआ होता तो अपनी छोकरी को दबा कर रखता। सरकार अब जरूर दबा कर रखूंगा, मुझे मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं वफादार हूँ। नमक हराम न होता तो राशन भेजना बंद न करता, महावारी भत्ता बंद न करता। जब से तेरी छोकरी आई है तेरा रवैया ही बदल गया है। नहीं सरकार, नहीं, एक बार गांव जाने दीजिए, आपकी सब शिकायतें दूर कर दूंगा। मैं कल ही राशन में भत्ता भेजना सरकार, मुझे माफ कर दीजिए।
छोड़ दो इसे। इस कुत्ते पर बराबर नजर आना। इस पर तो क्या, मैं गांव के हर आदमी पर नजर रखती हूँ। रोशनी, बापू, क्या हुआ बापू? हो गया तुम्हें? बापू, बापू, ये बापू, क्या बापू? तुझे कॉलेज में पढ़ाने का इनाम। ये भी मेरी बेटी है, जहाँ मेरा पसीना गिरता है, खून बहाती है, और चुड़ैल, चुड़ैल एक तू है, जिसने गांव में आते ही बच्चे बच्चे को मेरे खिलाफ कर दिया। आखिर बताओ भी, हुआ क्या? अपनी इस बहन से पूछ, जिसकी वजह से आज मानसिंह ने तो मुझे मार ही डाला था। वो तो भगवान की कृपा से जान बच गई। कमीनी, मैंने तुझे शहर इसलिए भेजा था कि तू पढ़ लिख कर बूढ़े बाप की हड्डियां तोड़वाए, परसों की बनी बनाई इज्जत का जनाजा निकाल डाले। जो इज्जत गांव वालों से गद्दारी करके मिली हो, ऐसी इज्जत पे लानत है। तुमने गरीब गांव वालों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भरी है, ये सब उसी का फल है। ज्योति! कौन बोला? अस्तमाल है? मुझे मेरे जाट तूफान की राह कोई नहीं छू सकता। वो एक किस चिड़िया की आवाज है? बचाओ! वो दीवानी तू? तू गोजी के साथ चिपक रही है, कमाल है। तूफान, तू मुझे बचा ले। गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, वो छुपे खड़े हैं। गुंडे? कूते ही कूते भोंग रहे हैं, गुंडे जी बाहर आओ। कमाल है। कौन है बे साले? कमाल है, तुम्हारा जीजा साला जी, अपने जीजा जी को नहीं पहचानते? कमाल है। ठहरो ठहरो ठहरो, तुम अपने जीजा जी की सेवा करना चाहते हो? साला जी, पहले मैं पंगड़ा मारांगा, फिर तुम सेवा करना। देखो जाट, आज देखी तेरी बात। फौजी को हाथ लगाती है, समझ गया मैं। फौजी को हाथ लगाने से शेर से गीदड़ बनाना चाहती है, मैं सब समझ गया। वो एक माल है, असली काम तो मैं भूल गया था। हम जरूरी काम जा रहे हैं और फिर ऊपर से बादल भी आ रहे हैं। देख, हम जरूरी काम जाए ना, पीछे से मत बुलाना। बचाओ बचाओ बचाओ। Thank you.
मुश्किल से फंसाया था, लेकिन इनसे पूछ, ये तेरे शेर से उस वक्त लीडर बन गए थे। क्यों बे, अब बोलता क्यों नहीं? क्या बताऊं सरदार, उसका तो लोहे जैसा हाथ था, जब मारता था तो गोली की तरह लगता था। उसने मुझे ऐसा मारा सरदार कि मैं 20-20 फीट उछल कर गिरा। हरामखोर! इन सालों से अब मुझे ही निपटना पड़ेगा। क्यों बनिए, सब माल ठीक से रख दिया है ना? नहीं तो नहीं भैया, सब माल ठीक है, बल्कि एक बोरी ज्यादा रखी है। मालिक से कहना देरी के लिए माफ करते हैं। जा जा, 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 क्यों भाई कूते जी, क्या ले जा रहे हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? कमाल है तुम्हारा बाप यानी पिताजी, कमाल है। गांव का अनाज गांव से बाहर जाए, गांव वाले पूछने के हकदार नहीं है। वो निशान ड्रामा किया है, है, है? वो फौजी लोगों को बंदूक दिखाता है। बोलता क्यों नहीं? कहाँ है अनाज, कहाँ है कारतूस और बंदूकें? जी हम तो ला रहे थे, लेकिन रास्ते में निशान और तूफान ने छीन लिए। निशान और तूफान? इंस्पेक्टर साहब, जो गेहूं साला मान सिंह के पास जा रहा था वो तो हमने सब पकड़ लिया। अब वो साला भूखे भेड़िए की तरह गांव पर हमला करेगा, ये फौजी का तजर्बा है, फौजी का। तूफान सिंह, आप लोगों की कोशिशों की वजह से गांव बहुत मजबूत हो चुका है, लोगों में नई जागृति पैदा हो चुकी है और डाकुओं से टक्कर लेने के लिए पूरा इंतजाम हो गया है। अगर अब मान सिंह ने गांव पर हमला किया तो पुलिस के हाथों से बच के नहीं जाएगा। ओए कमाल की तरह इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई तूफान सिंह, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कमाल है, जब भी कोई जरूरी काम जाता हूँ कोई ना कोई रोक लेता है। क्या है वो जरूरी काम? कमाल है, देखो मैं बहुत जरूरी काम जा रहा हूँ, पीछे से मत रोकना। आहो लेना। तूफान सिंह चल अपना काम कर, कमाल है। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। अरे रामू, ये हुई ना बात, जिन्होंने मेहनत से अनाज पैदा किया था उनके पेट की भूख तो मिट रही है। आप लोगों ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव का सुधार कर। जगह अच्छी है, कमाल है, कमाल है। ये आवाज कहां से आई?
देना बंद कर दिया, हमें मुआवजा देना बंद कर दिया। वो दिन बीत गए मानसिंह, अब तू गांव वालों से नाजायज वसूली नहीं कर सकेगा। अब गांव वाले गुस्से नहीं जो तेरे खौफ से घुटने टेक देंगे। पर वो बहादुर है कहाँ, जरा हम भी तो उनकी शक्ल देखें। कुत्ते, भूल गया अपने बाप की मौत को? जबान को लगाम दे मानसिंह, नहीं तो हल्का है कुत्ते की मौत मरेगा। जी जी के भी पर निकल आए।
निशान और तूफान को जाने कैसे दिया? वो लोग जरूर मानसिंह के कब्जे में आ गए होंगे, और अगर जाना ही था तो पुलिस फोर्स साथ लेके जाते। आप कुछ भी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, उन्हें किसी तरह भी छुड़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए जंगल का कोना कोना छान मारूंगा मुखिया, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तुम जाओ। अच्छा मैं जाऊं। राम राम। उनका पता लगाना जरूरी है। ले जो बेटी, क्या सोच रही हो? चाची, मेरा भैया मानसिंह राक्षस को मारने इसी रास्ते से गया था। कितने दिन हो गए चाची, मेरा भैया लौट कर नहीं आया। फिक्र मत कर बेटी, सब्र कर, वाहेगुरु उन दोनों की रक्षा करेंगे। चल तो, चल तो मेरे साथ चल, चल उठ। निशान और तूफान जंग जीत कर क्या लौटे कि अपने आप को 30 बार खां समझने लगे, मगर अब उन कमीनों को आटे दाल का भाव पता लगेगा जब डाकू उनकी लाशों को चील और कौओं के आगे फेंक देंगे। पीछे क्यों, होश सिखाने आया? नहीं मानसिंह, हमारे जिस्म का हर हिस्सा वफादारी के सांचे में ढल चुका है, कुर्बानी की आग से पक चुका है। क्यों, अभी भी जोश बाकी है? अरे सालों, मैं तुम्हें भूखे भेड़ियों से नचवाऊंगा जो तुम्हारे वफादार गोश्त से अपने पेट की भूख मिटा सके, समझा? के लहू के बूंदे बेकार नहीं जाएंगे मानसिंह। फौजी मरकर शहीद कहलाता है मानसिंह, उसकी सलामी में तो कौमी झंडे झुकते हैं, लेकिन जब तुम जैसे देश गद्दार मरते हैं तो उन्हें कहां तक नसीब नहीं होता। बंद कर उनकी जबान को और तरसा तरसा का मारो। यो बच्चे, छठी का दूध याद आया कि नहीं? सच्चे पाशा, अपने बच्चों की रक्षा करना, वो गांव की रक्षा के लिए एक जालिम विद्रोही से टकराने लगे हैं। तुम उनकी रक्षा करना, वो मेरे लिए तेरे बच्चे हैं। तुम उनकी रक्षा करना, मैंने तो आज तक अपने लिए तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। सच्चे बादशाह, आज मैं तुझसे अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। अपने दरबार में मैं दुखियार की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना गुरु, स्वीकार कर लेना। छोड़ ना, देखो ना माँ, ये जबरदस्ती मुझे खींच के ला रही है। जब जब मैं अपने भाई को ढूंढने जाती हूँ, सब लोग मुझे पकड़ के अंदर कर देते हैं। इसे संभाल लो माँ, जब देखो कुएं वाले रास्ते पे जा बैठती है। ऐसे भी कहाँ संभलती है बेटी, कल ही पकड़ कर लाई थी, थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई, पीछे से ये भाग निकली। बेचारी बाप की मौत को भी भूल नहीं पाई थी कि भाई पर ये नई मुसीबत टूट पड़ी, और फिर इसका अपना भी तो ये हाल है। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे अपने घर में रख लेती, लेकिन तुम तो बापू की आदत जानती हो माँ। हाँ बेटी, तो ठीक कहती है, कहाँ तू और कहाँ तेरा बाप। जिस घर में बाप बच्चे लड़ हो, वहाँ तो अपनी बेटी की इज्जत खतरे में रहती है। कमाल है, वो मौका तो मिला हुआ है। हम बाहर से पहुंचे हैं, तुम विद्यार्थी लोग अंदर के। हम बाहर का फ्रंट संभालते हैं, तुम अंदर की देखभाल करते हो। आज वतन की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपते हैं, कल ये बोझ आप उठाएंगे।
अर्जुन, हमिद, अर्जुन, क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम्हें याद है ज्योति, निशान और तूफान ने हमसे कहा था अगर हम आज के फौजी हैं तो कल के फौजी आप हैं। ज्योति बहन, हम अपने आप को मिटाकर साबित कर देंगे कि कल के फौजी हम हैं। अगर ऐसे लोगों को बचाने के लिए मुझे अपने ऐसा मत कहो ज्योति बहन, जिस आग में तुम जल रही हो वही आग हमारे सीनों में भी दहक रही है। अल्लाह ने चाहा तो यही आग एक एक विद्यार्थी के सीने में दहक उठेगी और मानसिंह जैसे देशद्रोही का सर कुचल के रख देगी। लेकिन जल्दी ही ऐसा न हो अर्जुन कि हम वक्त से पीछे रह जाएं। थे ना, कैसा रहा गांव और गांव वाले का साथ? पूछने की क्या जरूरत है, गुलछड़े उड़ाए होंगे, गुलछड़े मौज मेले उड़ाए होंगे, मजे लूटे होंगे। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है दोस्तों, ज्योति के गांव पर आफत टूट पड़ी है। हम बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ आए हैं दोस्तों। तो यहाँ उम्मीदें पूरी कर लो। लो लो मेरे यार, मारो दम और मिटा लो गम। सुन दोस्त, ज्योति के गांव में इस वक्त फौजी भाइयों को हमारी मदद की बहुत जरूरत है यार। ज्योति का गांव, फौजी भाई, कल तक तो साली हमसे आंख नहीं मिलाती थी, आज बुलावा भेजा है अपने यारों को। खबरदार कमीने, ज्योति की शान में कुछ कहा तो। देख कमीने, होश में आ, ज्योति हमारी बहन है। बहन क्या है भाई? बदतमीज। सच ही तो कहता है। हाँ, तुम उसके आशिक हो ना, इसीलिए उसके खिलाफ सुनते ही तुम्हारा खून खौल उठा। आंखें खोल कर देखो भाई, जिस विद्या को पाने के लिए तुम विद्यार्थी बने हो उसी विद्या की तौहीन कर रहे हो। क्या हमारी तालीम हमें यही सिखाती है कि इन किताबों को जो हमें ज्ञान देती है इन्हें रौंदे, अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों पर बुरी नजरें डालकर अपनी सभ्यता अपनी तहजीब का मजाक उड़ाएं? क्या यही सिखाती है ये किताबें? विद्यार्थी बहन के गाँव में दो फौजी डाकुओं के शिकंजे में आ गए हैं, क्या उन्हें बचाना हमारा फर्ज नहीं? आने जाओ भाई, पुलिस बुला लो। हमें क्यों परेशान करते हो भाई? अगर फौजी भाई के लिए हम परेशान नहीं होंगे तो सारे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों की नाक कट जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कानून वानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ। अरे पुलिस क्या, जरा सोचो तो, जो अपने घर बार छोड़कर हमारे वतन की हिफाजत करते हैं, क्या उनके गांव उनके घर बार की हिफाजत करना हमारा फर्ज नहीं? फिरोज भाई, अल्लाह की कसम है,
अगर आज के फौजी वो हैं, तो कल के फौजी हम हैं, हम सब विद्यार्थी हैं। दोस्तों, तुम्हें शियार के खून की कसम, वतन की इज्जत और आबू की कसम, हर फौजी की आन और शान की कसम, वक्त हमें चुनौती दे रहा है। फिरोज भाई, तुम्हें खुदा की कसम है, कुरान की कसम है, इस नशे की महफिल को छोड़ दो और वतन परस्ती के नशे में आ जाओ। सुभाष चंद्र बोस, रानी झांसी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह की जोत दिल में जगा लो और आज ये फैसला कर दो उठ के कि आज का विद्यार्थी आजादी की जंग लड़ने वाले विद्यार्थियों से कम नहीं। दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट ने सब डाकुओं को खत्म कर दिया है, एक मानसिंह ही बचा हुआ है। उसके अड्डे का पता चलते ही हम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लेंगे। गांव के इंस्पेक्टर साहब तो कब का इन डाकुओं का खात्मा कर देते, अगर गांव वाले उनका साथ देते तो। वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही निडर और जोशीला है, इसीलिए मैंने खास तौर पर उसे ऐसे हलके में पोस्ट किया है। ही इज ए वेरी ब्रेव करेजियस यंग मैन। सर, उनकी कोशिश और निशान और तूफान की हौसला अफजाई की वजह से गांव वालों में एक नया जोश पैदा हो गया है, वो पहले की तरह बुजदिल नहीं रहे। दैट्स वेरी गुड, लेकिन जोश में अंधे होकर कहीं वो कानून अपने हाथ में न ले लें। हमने हथियार उनको जाति बचाव के लिए दिए हैं, गलत इस्तेमाल के लिए नहीं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा सर, हम गांव वालों को समझाएंगे। क्यों नहीं, हमें तुम विद्यार्थियों पर बहुत उम्मीदें हैं। तुम लोग पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गांव वालों को समझा सकते हो, उनको सही रास्ते पे ला सकते हो, अमन और कानून की हिफाजत के लिए पुलिस का हाथ बटा सकते हो। कानून का साथ देना तो हमारा फर्ज है सर। आपने ये बताकर मेरी विद्यार्थियों के बारे में गलतफहमी दूर कर दी। मैं अक्सर सोचता था आज का विद्यार्थी बसें जलाकर स्ट्राइक करके अपने ही देश की संपत्ति क्यों बर्बाद करता है। इन नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने जाति फायदों को सामने रखकर नौजवान विद्यार्थियों को भड़काते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं है सर। दैट्स गुड, हमारे देश को हमारे विद्यार्थियों पे हमेशा नाज रहा है। अगर हर विद्यार्थी के जज्बात आप जैसे हों तो हम इंटरनल डिस्टर्बेंस को आसानी से खत्म कर सकते हैं। सब में तुम्हारे जैसे देशभक्ति का जज्बा हो तो हमारा वतन बहुत तरक्की कर सकता है। सर, हम मानसिंह के अड्डे का पता लगाने में पुलिस का साथ देंगे। मुजरिम को पकड़वाना और कानून की मदद करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। मैं जल्दी ही और पुलिस फोर्स भिजवाकर मानसिंह को कानूनी गिरफ्त में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। रेस्ट श्योर्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड लक जंगमैन। गॉड ब्लेस यू। तुमने भूखे हो चाचा, पहले तुम खाओ, मैं बाद में खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे तू अपनी अन्न की भूख मिटा ले। क्या कर रहे हो, अंधे हो गए हो क्या? अंधा, बिल्कुल अंधा बापू। क्यों शर्म आ रही है ये कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? बापू, जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूँ वैसे वो भी किसी की बेटी होगी। मेरी बहन की रक्षा करना भगवान,
तुम बहन को अकेला छोड़कर जा रही हो, क्या करो रोशनी? निशान और तूफान की जिंदगी खतरे में है, पर तेरे भाई अर्जुन और हमीद भी तो शहर से नहीं लौटे। ऐसा मत बोली मेरी बहन, तू क्या जाने अर्जुन और हमीद को, वो तो हमारे कॉलेज के राम और रहीम है। मुझे अपने आप पे इतना भरोसा नहीं जितना उन पे है। वो जरूर आएंगे रोशनी, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले निशान और तूफान को कुछ हो जाए। मैं किसी भी तरह मानसिंह के अड्डे पर पहुंचकर उन्हें जरूर बचाऊंगी। लेकिन दीदी, तुम अपनी आबरू इतने खतरनाक डाकुओं से कैसे बचा सकोगे? फौजी की आबरू तो वतन की आबरू है, वो मेरी आबरू से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर सब कुछ लुटाकर भी मैं उन्हें बचा सकी तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। दीदी, अपनी छोटी बहन को ऐसी कुर्बानी का मौका नहीं दोगे? रोशनी, हजूर आप हुक्म दें तो उन्हें आज रात को मार के खत्म कर दूं। बांध रखा है ना, इसीलिए बहादुरी दिखाता है। उस रोज तो तूफान से गीदड़ की तरह पिटकर भाग आया था। उसी मार का तो इन्हें मार के बदला लेना है। अबे उल्लू, इनको मारना होता तो मैं रास्ते में ही खत्म कर देता। मैं तो इनको यहाँ इसलिए लाया हूँ कि इसी बहाने गांव वालों से अनाज और मुआवजा मिलता रहे। बदला तो मुझे कप्तान से लेना था, वो मैंने ले लिया। तुम्हें ठिकाने का तो पता है नहीं, निशान तूफान तक कैसे पहुंचेंगे? भगवान हमारे साथ है रोशनी, वो हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। रोशनी, वो देख, ये क्या? ये तो डाकू है दीदी। अरे यही तो अपनी मंजिल है रोशनी। हाँ, आ मेरे साथ। अरे चलो। नाम भी सूरत की तरह खूबसूरत, एक का ज्योति और दूसरी का रोशनी। जी, एक नजर में ज्योति को बसा लीजिए ना, और दूसरी में रोशनी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे सुनो, तुम दोनों को गाना बजाना आता है? अभी तक यही तो करते आए हैं सरकार। क्या बताएं, जब से गांव में निशान और तूफान आए हैं रियाज ही बंद हो गया है। क्यों ज्योति? अरे हाँ रे, रियाज तो क्या सरकार, उन लोगों ने तो लोगों का जीना ही हराम कर दिया है। ऐसी नाकाबंदी की है कि हमारा बाप हुजूर की खिदमत में राशन भी नहीं भिजवा सकता। जी, उसको नजर से मत गिराइए हुजूर, बड़ा वफादार है, हमेशा बेचारा आप ही के तो गुनगाते रहता है। क्यों रोशनी? अरे गाएगा क्यों नहीं, बापू का रोजगार भी तो हुजूर की वजह से चल रहा है, है ना? होश में आओ सरदार, ये छोकरियां तुम्हें धोखा दे रही है। देखा देखा रोशनी, वही वाला जिसका हमें डर था, कमीनी कुत्ती धोखा खुद देती है और इल्जाम हम दोनों पे लगाती है। इसी चुड़ैल की वजह से तो सत्यानाश हुआ सरकार। झूठ बकती है कुत्ती कमीनी, ये हमारे अरमानों पर पानी फेरती है, हमारे काम मिट्टी में मिलाती है। ख्वाहिश सरकार के दरबार की जीनत बनेगी। छोड़ो सरदार। ज्योति, सरदार छोड़ दो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगी, इसका खून पी जाऊंगी। ज्योति मान जाओ। जाने दे ज्योति, सरदार कहता तो माफ कर दे। जी माफ कर दूं? हाँ। तो जा, माफ कर दिया, लेकिन याद रखना फिर कभी मेरे या मेरे बापू के बारे में सरदार को भड़काने की कोशिश करे तो सीमा बना डालोगे। चलो सरदार, मेरे लिए तो प्यार भी नहीं करनी थी। चंपा अपने औकात में रहो, जाओ। चलो रोशनी, तुमने मेरी पापा का ये बता दिया? कहा था ना मैंने, तेरी बेटियां एक न एक दिन गुल खिलाकर रहेंगी। पहुंच गई ना मानसिंह के अड्डे पर, अब क्या होगा? मेरी आबरू, उनकी आबरू। उनकी आबरू,
उनकी आबरू तो अब तक मिट्टी में मिल चुकी होगी महंगाराम। तू क्या समझता है मान सिंह जैसे आदमी ने छोड़ दिया होगा उनको? अब तू अपनी और मेरी फिक्र कर कमीने, अगर उन छोकरियों ने वहां जाकर फौजियों की इमदाद के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत की तो हमारी खैर नहीं, और ये हम दोनों की मेहनत से बनवाया हुआ महल बर्बाद हो जाएगा। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, कोई रास्ता बताओ। रास्ता? रास्ता हमारे पास सिर्फ एक ही है, तूफान सिंह की माँ और निशान सिंह की बहन को इस गांव से धक्के देकर निकलवा दिया जाए, क्योंकि वही इस फसाद की जड़ है। अगर वो लोग कुछ दिन और इस गांव में रह गई तो सारा गांव उनके पीछे होगा, और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। निकल बाहर, मैं तुझे और तेरी लाजों को इस गांव में नहीं रहने दूंगा। तुम लोगों की ये मजाल, जलील कमीनों कुत्तों, क्या बकता है? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अच्छा? मुझे कहीं खड़ा छोड़ा। तेरे बेटों ने मेरी बेटी को गलत रास्ते पर लगाया, मुझसे छीन लिया। दूसरे की बहू बेटी पर बुरी नजर रखने वाले, आज तेरी अपनी बेटियों की आबरू खतरे में है, तब तेरी आंखें खुली। जानता हूँ तूने ही मेरी बेटियों को गुमराह किया, मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। अच्छा? देख के जाओ, उठा सामान और बाहर बैठ दो। आगे बढ़ा तो टुकड़े करके रख दूंगी, तुम जैसे गद्दारों की गर्दन बाबे के दरबार में चढ़ा के रहूंगी। बुज़दिल कमीने भागे। आज हम तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर देंगे, ताकि किसी को मानसिक के सामने सर उठाने की हिम्मत ना हो। ले बंदूक। जी आप क्यों तकलीफ करते हैं जी, हमें भी अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए सरकार। इनसे हमें अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेना है। ठीक है जाने मन, तुम लोग भी अपनी मुराद पूरी कर लो, जाओ जाओ। बड़े आए थे मेरे बापू का सर नीचा करने वाले, बड़े आए थे हमारे सरदार से टक्कर लेने वाले। कर लिया मेरे बापू का सर नीचा, बोल ले ली ना टक्कर। क्यों आए थे गांव वालों का सुधार करने और आज वही गांव वाले मार रहे हैं? हम दाद देते हैं, तुमने निशान और तूफान को मारकर हमारा दिल जीत लिया। अब हम तुम्हें अपनाए बगैर नहीं रह सकते, हम तुम दोनों से शादी करेंगे। शादी? अरे हाँ हाँ शादी, लेकिन जी जी शादी से पहले तो सगाई होती है ना, पहले सगाई कीजिए बाद में शादी। क्यों नहीं क्यों नहीं। आज पीने का मजा आ गया, जन्नत में यही तो मौज मिले होते हैं सरकार। बद नसीबों को मरकर जन्नत नसीब होती है और खुश नसीबों को जीते जी जीते जी। जन्नत मुबारक हो हुजूर, इस खुशी के मौके पर बंदी को भी कुछ खिदमत करने का मौका दीजिए हुजूर। नाचने गाने और दिल बहलाने के सिवा तुझे आता ही क्या है? जा जश्न का इंतजाम कर जा। अब यही तो फर्ज है मेरा सरदार। ये मेरी जान। चलो भैया खाना खा लो, आप सब लोग थक गए होंगे, जाओ पुत्रो रोटी खा लो, प्रभु राखा है, वाहेगुरु जो करेगा ठीक करेगा, जाओ बेटा खाना खा लो। नहीं माँ, ज्योति रोशनी तूफान निशान सब लापता है, जब तक उनके ठिकाने का नहीं पता चल जाता तब तक हमारे मुंह से एक निवाला नहीं उतर सकता। माँ जी उनके ठिकाने का पता कैसे लगाया जाए? माँ 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 मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने गांव वालों के साथ गद्दारी करके
उस कमी ने मानसिंह का साथ दिया माँ। क्या तूने मानसिंह का साथ दिया? कमीने, अब यहाँ क्या लेने आई है? तू तो औरत जात के नाम पर एक दाग है। निकल जा यहाँ से। मेरा कलकिया वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। निकल जा। नहीं माँ, मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुझे बताने के लिए आई हूँ कि निशान और तूफान की जान बहुत खतरे में है। मक्कार, अब तक गद्दार रही और अब अचानक ये वफादारी की जोत कहाँ से जाग उठी है? मुझे गद्दार के साथ वफादारी करने का नतीजा मिल चुका। अब क्या चाहती हो? निशान और तूफान को बचा लो। तो बता, मानसिंह का अड्डा कहाँ है? अगर तुमने हमें धोखा दिया तो याद रखना। नहीं माँ, मैं धोखा देने नहीं आई हूँ। मैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करने आई हूँ। आज आपको मेरी वफादारी का भी पता चल जाएगा और मानसिंह के अड्डे का भी। निशान, तूफान और मैं इनको संभालते हैं। टुकड़े का डरे है। तूफान को पकड़ने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। पानी, प्यास लगी है? मैं तेरी प्यास बुझाती हूँ। ले, पी ले। मुझे
अपने सीने में छुपा ले माँ। तू फट क्यों नहीं जाती माँ? भैया कह रही हो माँ, इन गद्दारों को बचाना चाहती हो? मुझे माफ कर दो। हाँ, इनकी जिम्मेदारी मैं लेती। माँ बनके भारत माँ के गद्दारों को पनाह दे रही हो, इनकी जिम्मेदारी ले रही हो? मुझे माफ। हाँ, माँ हो ना, इसलिए माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है। क्या भारत माँ ने अपने बेटों को माफ नहीं कर दिया? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, बेटों ने भारत माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी माँ ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आ मेरे बच्चों, आ आ मेरे गले से, मेरे सीने से लग जाओ। तुम लोग चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन तुम लोग एक होके रहो, एक होके जियो। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम्हें मेरे खून की कसम। आओ मेरे बच्चों, आओ बहन, आज आपके कदमों ने मेरे इस पापी घर को पवित्र बना दिया है। हमने और हमारे बापू ने गांव के किसानों की गिरवी रखी हुई जमीनें वापस कर दी है। हमें धरती माँ की कसम और इस माँ की कसम, हम गांव की हर लड़की को अपनी माँ बहन समझेंगे। मुझे माफ कर दो चौधरी, अगर माफी मांगनी है तो माँ के कदमों पे सर झुका, जिसने हम सबको एक कर दिया, सारे गांव को इकट्ठा कर दिया। बहन माफ कर दो माँ। अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ऐसा ना हो कि इस खुशी के मौके पर हम अपने फर्ज को भूल जाएं। मान सिंह एक ऐसा जहरीला सांप है जो कभी नहीं डर सकता है। तो फिक्र मत कर चाचा, हम उस सांप का सर कुचल देंगे। अब तो हमें उसके अड्डे का पता लग गया है। जब तक हेडक्वार्टर से पुलिस नहीं आती, तब तक हम गली गली में पहरा देंगे। तूफान भाई, आज आपकी जगह पहरा मैं दूंगा। Thank you.
जमीने कुत्ते गली गली में पहरा दे रहे थे, गांव की छावनी बना रहे थे। तेरी ठोकरे हमारे इरादों को कुचल नहीं सकती मानसिंह। ये तमाचे, ये तमाचे हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। लेकिन मानसिंह के सामने किसी की आवाज उठ नहीं सकती। शायद तुम नहीं जानते कि तुम किससे टक्कर ले रहे हो। हम तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर देंगे। तेरी गोलियां मेरा सीना तो छलनी कर सकती हैं, लेकिन मेरी गर्दन नहीं झुका सकती। आखिर कौन सी बला हो तुम? अभी तक नहीं पहचाना? हिंदुस्तान के करोड़ों विद्यार्थियों का नुमाइंदा, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। तो फिर मौत के फरिश्ते की मौत भी मान सिंह के हाथों लिखी है। तुम समझते हो तुम मुझे मारकर भारत के करोड़ों विद्यार्थियों की भावना को कुचल दोगे? ये तुम्हारा वहम है मान सिंह। तो मौत के लिए तैयार हो जा। मौत? मरना तो सिर्फ चोला बदलना है मान सिंह। शहीद भी मरकर ही जिंदा होते हैं। अरे जान भी तो उस फौजी की अमानत है जो वतन की आन और आबरू पर कुर्बान हो जाते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। अरे एक जान क्या, हजार जन लेकर हजार जाने भी उस पर कुर्बान कर सकता हूँ। कभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कुरुक्षेत्र में लड़ो, और आज ये अर्जुन उन फौजियों की आन और बान पर कुर्बान होगा। मुनीम वाली गली में कल तुम पहरा दोगे। अरे अर्जुन यहाँ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अर्जुन की ये बंदूक और ये सब कुएं के पास रखा हुआ था, अर्जुन का है। अर्जुन? अर्जुन को मैंने भी नहीं देखा। कल रात हमारी गली में पहरा दे रहा था, फिर कहाँ गया? फिर अर्जुन है? अरे अर्जुन, 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 अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन, अर्जुन, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन, 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 आग पे रख कर हाथ कर लो वादा देंगे साथ, कमियान के लिए वीर जवान के लिए हिंदुस्तान के लिए, कर हाथ कर लो वादा देंगे साथ, कौमी आन के लिए वीर जवान के लिए और हिंदुस्तान के लिए, आग पे रख कर हाथ कर लो वादा देंगे साथ, कर लो वादा देंगे साथ, कर लो वादा देंगे साथ, कर लो वादा देंगे साथ। सरदार, सरदार, क्या हुआ? गजब हो गया सरदार, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ जान बचाकर आए हैं। पुलिस हमारे अड्डे की तलाश में जंगल का कोना कोना छान रही है। पुलिस के यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं सारे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। Thank you.
सतगुरु बादशाह मेर रखी। तूने मेरी आबरू लूटी थी ना, याद है? याद है ना? तब से धरती माँ तेरे खून की प्यासी है पापी कमीने। मैं आज अपनी धरती माँ का बोझ हल्का करूंगी। मैं आज तुझे मार डालूंगी। वो दिन भूल गया जब मैं इसी तरह अपने आबरू की भीख मांगती हुई पीछे हट रही थी।
जिलनाथ को माफ करना और इस सांप पर जुल्म करना है। आज मैं उन तमाम बदनसीब अपनाओं का बदला लूंगी जिन्हें तुम जैसे भेड़ियों ने नोचा है। मुजरिम बच सका है और न बच सकेगा। चाची, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और लाजू का और कौन है? तुम लाजू का ख्याल रखना। बेटे, लाजू का ख्याल अब मैं तो नहीं, कोई और ही रखेगा। हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रही हूँ। तूफान बेटा, थाम ले इस बच्ची का हाथ। लड़ाई के मैदान में हम लोग बुरों को भी काम आए, पापियों को भी माफ किया। वाहेगुरु की कसम मेरे यार, ये तो पुन का काम है। तूफान, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सचमुच आप विद्यार्थियों ने हमारे देश के अंदर का फौजी बनकर दिखा दिया। हमारी भारत माता को आप जैसे बेटों पर हमेशा हमेशा नाज रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज मैं नच रहा हर रोज माता दे ये गान। अमीन आज चलिए अहम कान चलिए